हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लासेस। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास इलेवंथ की पॉलिटिकल साइंस की बुक नंबर वन, जिसे हम बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर नंबर फोर। एग्जीक्यूटिव के कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपको ट्रू और फॉल्स में बताना है। द वर्ड एग्जीक्यूटिव मीन्स ए बॉडी ऑफ पर्सन्स दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एक्चुअल प्रैक्टिस। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? कि एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कुछ लोगों की ऐसी कमिटी या बॉडी जो पूरे लॉ को इम्प्लीमेंट होने से लेकर उसको फॉलो करने तक की जो है पूरी प्रोसेस को देखते हैं। क्या एग्जीक्यूटिव वर्ड उसके लिए सही है या गलत है? व्हाट डू यू थिंक, ट्रू और फॉल्स? तो यस ऑफ कोर्स इट्स ट्रू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, जो आपको बताएगा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अगर हम देखें तो वो इट्स नॉट अबाउट प्रेसिडेंट, पीएम और मिनिस्टर्स। इट आल्सो एक्सटेंड्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, यानी जिसमें आ जाते हैं आपके सिविल सर्वेंट्स, यानी जितने आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं। व्हाइल द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट देयर मिनिस्टर्स, जो सीट पे बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, ये सब के सब मिलजुल के जो है ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन को पूरा करते हैं। तो बच्चों आ जाता है उसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जितने भी मिनिस्टर्स, इंक्लूडिंग सभी सिविल सर्वेंट्स, ये सब मिलकर जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट एग्जीक्यूटिव? दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, जिनका काम है हर रोज के एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को देखना, उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फोर में, द यूएसए हैज द डैश सिस्टम एंड द एग्जीक्यूटिव पावर आर इन द हैंड्स ऑफ द डैश। आपको दोनों ब्लैंक्स को फिल करना है कि यूएसए में कौन सा सिस्टम फॉलो किया गया है और पावर्स किसके हाथ में होती हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। तो वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा हैज अ डैश विद डैश वेयर क्वीन एलिजाबेथ इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो कनाडा क्या है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और साथ में वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है। जापान की अगर बात करें, हैज द डैश विद एम्परर एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड पीएम एज द डैश। आपको दो ब्लैंक फिर से फिल करने हैं कि जापान के अंदर क्या रूल फॉलो किया गया है, जापान में कैसा सिस्टम है, वहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है और जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पे वहां पर काम करता है जापान में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। आपको बताना है फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसके पार्ट हैं, पार्ट ऑफ द डैश सिस्टम। आपको सिस्टम का नाम बताना है, वो सिस्टम क्या है। That system is the semi-president system. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट के लिए। अगर इटली की बात करें तो वहां पर क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है विद प्रेसिडेंट एज द फॉर्मल हेड और प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और प्रेसिडेंट क्या है, फॉर्मल हेड है वहां पर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए। रशिया की अगर हम बात करें तो वहां कौन सा सिस्टम फॉलो किया गया है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और प्रेसिडेंट वहां स्टेट का हेड होता है, कंट्री का हेड होता है और प्राइम मिनिस्टर जो जिसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होती है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, सरकार को चलाने वाला मेन जो काम है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है वहां पर रशिया में। क्वेश्चन नंबर टेन में आपको बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर द गवर्नमेंट बोथ एट द स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल, यानी स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी हमने जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हु रन्स द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल, तो नेशनल लेवल पे सरकार चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। अगर स्टेट लेवल पे आपको कुछ पता है कि सरकार कौन चलाता है, यस ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर होता है। तो सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कौन होगा, वो बच्चों आपको आंसर दे रहे हैं। तो नेशनल लेवल पे आते हैं प्रेसिडेंट, जो फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट है इंडिया का यानी कंट्री का, और प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सब के सब मिलकर जो है सरकार को चलाते हैं। और ऐसे बच्चों अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, यानी स्टेट लेवल पे सरकार चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो आंसर बड़ा सिंपल है, मैं ऑलरेडी हिंट दे चुका था। एग्जीक्यूटिव में आते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. व्हाट इज द ओनली ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट फॉर द रिमूवल, यानी अगर आपको प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से हटाना है तो क्या जो है चार्ज लगाया जाएगा प्रेसिडेंट के ऊपर. तो उसका चार्ज एक ही है, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट किया गया है, इसी वजह से ऐसा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं. हु ऑफन राइट्स टू प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सप्रेसेस हिज व्यूज ऑन मैटर्स कन्फ्रंटिंग द कंट्री. प्राइम मिनिस्टर को अक्सर लेटर कौन लिखता है और पूरी बात बताता है जो भी कंट्री में जो है हो रहा है, चल रहा है सब कुछ. तो आंसर क्या है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या फिर कैबिनेट है. तो ऑफकोर्स इसका आंसर होना चाहिए, यस द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट. अब आपको बताना है व्हाट इज पॉकेट वीटो. पॉकेट वीटो क्या है एक्चुअल में, तो पॉकेट वीटो एक स्पेशल पावर है बच्चों, यानी जब ये लगा के चलिए प्रेसिडेंट कीप्स द बिल पेंडिंग विदाउट एनी टाइम लिमिट, तो उसको हम बोलते हैं वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए. हु एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑन द डेथ ऑफ फखरुद्दीन अली अहमद अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट वॉज इलेक्टेड. नए प्रेसिडेंट के अपॉइंट होने से पहले किसने जो है एज अ प्रेसिडेंट काम किया था फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ के बाद. तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, यस बी डी जट्टी. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए. हु कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर एज द लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट. किसने कहा था प्राइम मिनिस्टर जो है वो लिंच पिन है सरकार की. तो आपके ऑप्शंस देखिए एक बार फिर से, पंडित नेहरू, सरदार पटेल या फिर महात्मा गांधी. आपको क्या लगता है बच्चों राइट आंसर होना चाहिए, तो राइट आंसर है पंडित नेहरू. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए. व्हाट कंप्राइजेज द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी अगर सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्गन की बात करें तो इसमें क्या कुछ आता है. इसमें आएगा प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर्स, जो भी मिनिस्टर हैं, मंत्रालय का पूरा, और साथ में एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, यानी जिसमें सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं, सब मिलजुल कर जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन सरकार का जो है कंप्लीट करते हैं. और बच्चों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं स्टॉप करूंगा. आई होप सो दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प टू यू. सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल. हैव अ वेरी नाइस डे.